चाची जी, आपकी चूड़ियों में ये छेद की कोई नई डिजाइन है क्या? छेद! अरे ये क्या हो गया? मेरे सोने की चूड़ियों को किसकी नजर लग गई? हाय हाय! सोने का ये चेन गिर गया रे, मैं लूट गया। ओए ओए, मेरे कान के छल्ले टूट गए। क्या? ओए पम्मी, ये तूने क्या कर दिया? सोना क्या पेड़ पे उगता है? ओए ये तो अजीब मुसीबत हो गई। पहले गिरा छल्ला, फिर गिरा पल्ला। ओए ओए, किसी को बताना मत। जाओ जाओ, ये सारे जेवर ना उस गरीब ज्वेलर के यहाँ से खरीदे थे, और देखो जी, उसने तो ना हमें ही गरीब बना दिया। हाय हाय! कोई पुलिस को बुलाओ। ये, ये, ये क्या? अरे ये हमारे मैडम जी का स्टाइल है। रे कौन कहता है पुलिस टाइम पर नहीं आती है? लो आ गई पुलिस, के बात हो गई? सारे का गरीब ज्वेलर्स ने हम सबको नकली सोना बेचा। रे कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बन सके है। उस गरीब जोहरी को ऐसी लात मारूंगी कि सोना ही भूल जाएगा। रुकिए बंदूकनी जी, मुझे नहीं लगता कि ये गरीब जोहरी ने किया होगा। आप तीनों काफी टाइम से ये सोना पहन रहे हो, है ना? और आज अचानक से ये एक साथ टूटने लगा। जरूर आज ही के दिन कुछ हुआ है। ओए शीला याद कर, ओ कुछ तो हुआ होगा आज। याद आया जी, आज सुबह ना चमकू चमाट ने चूड़ियां पॉलिश की थी। और हाँ, मेरा भी सोना चमकाया था। अमर भी इसी चमकू चमाट ने पॉलिश के बहाने आप सबका सोना चुराया है। इब ये चमकू चमाट खाएगा मेरी लात, पर उसे ढूंढेंगे कैसे? ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बंदूकनी जी, वो खुद चल के हमारे पास आएगा। जो सोना चमकू चमाट ने चुराया है उसे बेचने वो जरूर आएगा। चाची जी की चूड़ियों पर अब भी चमकू चमाट का केमिकल लगा होगा। खोजी अंकल, क्या आप कोई ऐसा केमिकल बना सकते हैं जो चमकू के चुराए हुए सोने को पहचान सके? ये गुलाबी केमिकल चमकू के चुराए हुए सोने पर गिरते ही नीला हो जाएगा। ओए अब तो चोर पकड़ा ही जाएगा। ये तो चाचा भतीजा हैं, इनसे बच के रहना होगा, या फिर इन्हें भी अपने लपेटे में लेना होगा। साथियों, मैं कोमल सिंह हूँ, प्रोड्यूसर, और ये मेरे डायरेक्टर मिस्टर केएस। हम यहाँ एक फिल्म की शूटिंग करने आए हैं और नए टैलेंट को चांस दे रहे हैं। किसी को एक्टिंग करनी हो तो हमें कांटेक्ट करें। ओए ओ जी, मैं एक्टिंग करूंगा जी। ओ मैं A1 डिटेक्टिव एजेंसी में जासूस हूँ, और जासूस से बढ़िया एक्टर कोई नहीं हो सकता। ओ जी क्या है, हमें अलग अलग गेटअप में अपराधियों को पकड़ना जो पड़ता है। भाई आपका सिलेक्शन तो हो गया, आप हमारी फिल्म में जासूस का रोल करेंगे। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। मिमिक्री भाई। हमारे ढाबे में आपका स्वागत है सर। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, क्या खाना पसंद करेंगे आप? वो डायरेक्टर सर जी, ये फंटूश नगर का सबसे बढ़िया एक्टर है। एक बार जो मैंने मेन्यू सेट कर दिया तो फिर मैं अपने आप के भी नहीं सुनता। कंट्रोल कंट्रोल, हो गया सिलेक्शन, इनका भी सिलेक्शन हो गया। क्या एक्टिंग की है, आप भी कल सुबह 10 बजे हाईवे पे मिलना, आप हमारी फिल्म के हीरो हैं। हीरो? फोटो वाले खूंखार सिंह के आईब्रोज एकदम इस डायरेक्टर जैसी लग रही हैं। जैसे ही ये लोग वैन को रोक के गार्ड्स के साथ मारपीट करेंगे, हम हीरो का पार्सल निकाल के यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। तब तक अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना। हाँ ओके ओके, कोशिश करूंगा कोशिश करूंगा।
अच्छा अब मैं आप लोगों को सीन बताता हूँ। सीन तो सुन लेंगे, पहले ये बताओ मेरी हीरोइन कौन है? मिमिक्री भाव। आपकी हीरोइन बस आती ही होगी। ये, ये। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, कुछ बोलेगा भी या शूटिंग ही करता रहेगा है? जब तक मुंह ना खोले अच्छा है, और मुंह खोल दिया तो बहुत बहुत अच्छा है। फिल्म हिट है भाई, हिट है फिल्म। ये क्या चप्पल चोर? चप्पल चोर, पकड़ो उसे। चप्पल चोर, पकड़ो उसे। ये क्या चप्पल चोर? सॉरी जीजे, पंजा डीजे। दे दे ऊपर वाले के नाम पे दे दे। चप्पल चोर, चप्पल चोर, पकड़ो उसे। चप्पल चोर, पकड़ो उसे। डीजे, ये क्या हो रहा है? पूरे शहर में चप्पल चोरी। अरे मिमिक्री भाई, ये क्या कर रहे हो? हम एमके हूँ, मिमिक्री किंग, और आजकल हमरे गोले पे चप्पल चोरी बहुत हो रही है। हाँ, गोला? गोला मतलब ई गोल गोल धरती भाई। अरे ई का हमरा चप्पल चोरी हुई गवा। बंदूक निजी, आप कछु करती क्यों नहीं? चप्पल बिना जिंदगी, यानी जैसे जल बिन मछली हुई गए हैं हम। मेरी तो महंगी सैंडल थी, अब तो देखो मेरे नाजुक पैरों में ना छाले पड़ गए। हाँ, ई गोला के लोगों के पैरों में चप्पल नहीं, सिर्फ छाले हैं। हाँ, इब वो चप्पल चोर बंदूकनी की लात से बच ना पाएगा। बंदूकनी जी, आपके पैरों में भी छाले पड़ेंगे। रबावड़ा हो गया के मेरे पैरों में क्यों है? ओए मेरे जूते। लो, यहाँ तो पुलिस के ही जूते चोरी है, तो आम आदमी क्या करे? हाँ, अरे बंदूकनी जी, ये चप्पल चोर ने तो मेरे चप्पल की दुकान से 2 बॉक्स चप्पल चोरी कर लिए नी। ऐसे में धंधा तो मंदा हो जाएगा। ओ अच्छा, मतलब चोर सिर्फ पुरानी नहीं, नई चप्पल भी चुरा रहा है। अरे सेठ जी, आप चिंता ना करो, आपको पूरा पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। आप पूरे शहर के लिए नई चप्पल ला दो, तब तक हम इस चोर का बंदोबस्त करते हैं। क्या भाई चाचा? हाँ भतीजा। ओ भाई साहब, अभी तो 100 रुपए की चप्पल थी, अभी 1000 रुपए। खोजी अंकल, आपको इस बार जूते बनाने होंगे। अरे भतीजे, क्या बात कर रहे हो, मैं जूते बनाऊं? हाँ खोजी अंकल, क्योंकि ये स्पेशल जूते होंगे। इधर आओ, इधर आओ। का आ, इसमें देखता हूँ। अपना जी। क्या है? रबावड़ी बूझ भैंस की पूछ, यो के धमा चौकड़ी बचा रखी से। ओए भल्ले, यो ऑफिस को धोबी घाट क्यों बना रखा है? मैं तो सिर्फ सोने का सिक्का ढूंढ रहा था, जो लाला झोलूराम के सफाचट साबुन में मिलने वाला था। उसके दुकान से पूरे 500 साबुन खरीदे मैंने, और 100 तो घिस भी डाले, पर सिक्के का कोई पता नहीं। ओ भल्ला अंकल, कोई सोने का सिक्का नहीं मिलने वाला। लाला झोलूराम अक्सर ऐसे लालच देकर लोगों को चीजें बेचता रहता है,
और आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। क्या? हाय, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब इन 400 साबुन का क्या करूं? रे बहादुर, तू पंखे पे लटके कौन सी हवा खा रहा है? हैं? नीचे उतर, चल नीचे उतर। इस लाला झोलू राम ने जेल की हवा खिलाते हैं। अभी लो मैडम जी। ओ बंदूकनी जी, लाला झोलू राम को पकड़ने का काम आपका, पर उससे पहले लाला झोलू राम से पल्ला जी के पैसे वापस लाने का काम हमारा। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया ना भतीजे? अब बोल ही दिया है तो कर लेंगे चाचू। हम लंदन का बिजनेसमैन टॉनी गोंसाल्वेस। थोड़ी घबराहट हो रही है यार। ओ घबराओ मत मिमिक्री भाई, भतीजा है ना आपके साथ, सब संभाल लेगा। हम लंदन का बिजनेसमैन टॉनी गोंसाल्वेस। लंदन में ना मिले ऐसा कोई चीज ही नहीं। ओ लंदन के बिजनेसमैन।